वॉइस चेक करिएगा, चेक। तो आज थोड़ा लेट लेने का, क्लास लेने का क्या था सर, लेट क्यों लिया? तो बच्चों के कुछ के एग्जाम स्टार्ट हैं, प्रोग्राम वालों के, ऑनर्स के तो नहीं है, खैर प्रोग्राम का तो उनका 5:30 बजे तक तो एग्जाम होना था, इसलिए मैंने 6 बजे का रखा है। कल क्लास नहीं है तो कल वही 11 बजे रखेंगे, और कल हम लीज खत्म करेंगे, पूरा कल लीज रहेगा। अब बात कर लेते हैं सर हम एनपीओ। एनपीओ के अंदर हमने काफी सारे बेसिक बेसिक पॉइंट्स देख लिए थे, यहाँ तक कि क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आगे चले हम, तो भाई मैं आप सभी को बोलूंगा, देखो 12th में आपने एनपीओ पढ़ा हुआ है, और ऑलरेडी आपके फोल्डर में ना एनपीओ के कुछ क्वेश्चंस आज मैंने इंसर्ट किए, आप जाके चेक करोगे ना एनपीओ के नाम से, तो हालांकि वो पुराने क्वेश्चंस ही हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करना कैसे है हमें, ठीक है? तो आगे एक और हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने किया था पूरा क्वेश्चन एक, तो सो दैट आज भी हम करने वाले हैं पूरा क्वेश्चन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये सारा हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक। चलिए आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपको होपफुली प्रॉपर विजुअल होगा। तो मैं अकाउंट बना लूं, वही अगेन एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लो जी बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और हम एक बना लेते हैं, दो बैलेंस शीट इनके। ये बन गया बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटी, ये एसेट अमाउंट एंड अमाउंट। एक और बैलेंस शीट, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपके सामने एक इंफॉर्मेशन गिवन है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, बिल्कुल है। एक इंफॉर्मेशन गिवन है, डियर क्रिकेट क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना 31 दिसंबर 2016, ये रिसिट्स है। तो सर अब हमने सीखा भी था और हमें पता भी है कि इस साइड दो ही चीजें हो सकती है, बताइए क्या क्या हो सकता है। या तो हो सकता है इधर इनकम, या फिर होगा लाइबिलिटी। और एक बात बता दूं, लाइबिलिटी भी होगा तो पता है कौन सा लाइबिलिटी होगा, हमेशा वो होगा, क्योंकि हमारे पास तो दो बैलेंस शीट है ना। अब कंफ्यूजन होगा, सर आपने लाइबिलिटी तो बता दिया, ये वाला या ये वाला, तो हमेशा कौन से वाला होगा, क्लोजिंग वाला। और इस साइड भी दो चीजें होंगी, ठीक
इस साइड भी दो चीजें होंगी, एक होगा हमारा एक्सपेंस और एक होगा हमारा, और एसेट्स कौन सा होगा बताओ, क्लोजिंग वाला मेंशन होगा इस साइड। तो चलिए सर, मेंबर फी, तो मेंबर के फी हमें मिल गया जो कि नॉर्मली हमारा इनकम है, तो हम ले लेते हैं मेंबरशिप फी, लिखते जाते हैं। तो इनकम ये वाला होता है हमारा एक्सपेंडिचर, और ये होता है हमारा इनकम। तो मेंबर फी बाय साइड में, अब ना मेंबर फी से आपका मेंबर फी की मैं बात करूं तो मेंबर फी दो तरीके के होते हैं हमारे। एक होता है लाइफ मेंबरशिप फी और एक होता है नॉर्मल, जो कि हमें गिवन है सवाल में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है ना वो लाइबिलिटी होता है, हमेशा याद रखिएगा, और जो नॉर्मल होता है ना वो इनकम होता है। चलिए आगे हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं लिखने से पहले। कहता है हमारे पास कुछ 1 जनवरी को इंफॉर्मेशन है, कैश भी है, स्टॉक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सब्सक्रिप्शन है हमारा ड्यू, लाइबिलिटी दे रखा है नील, लाइबिलिटी एट द डेट नील, डोनेशन सरप्लस टूर्नामेंट के लिए मिला हुआ है, रिजर्व पवेलियन सब्सक्रिप्शन एट द एंड 1500 रुपये आपको दे रखा है, राइट ऑफ बैट एंड बॉल एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिएगा तो सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, ये लाइफ जो मेंबरशिप फीस होता है दैट इज ऑल्सो कॉल एज अ सब्सक्रिप्शन ही होता है एक तरीके का। तो हमें यहाँ 10,000 रुपये गिवन है, इसे अंदर लिख लेंगे। इसके बाद एडमिशन फीस भी इनकम है तो बाय साइड में लिख देंगे एडमिशन फीस। एडमिशन फी सर, एडमिशन फी भी हमारा इनकम है तो 600 रुपये। सेल ऑफ ओल्ड बैट बॉल, तो मैंने बताया था जब कभी भी किसी भी एसेट्स को आप बेचते हैं तो अगर जर्नल है तो उसके लिए तो आपको उसका कॉस्ट या बुक वैल्यू नहीं करना। अब ये 100 रुपये का आइटम है, बैट बॉल बेच दिया तो नॉर्मल इनकम मान लोगे। अगर यही फर्नीचर होता, अमाउंट बड़ा होता, तो हम क्या करते हैं उसके बीच में से जो प्रॉफिट होता या लॉस होता उसको लिखते हैं, है ना। तो यहाँ सिंपल सा है, सेल ऑफ ओल्ड बैट बॉल, तो भाई सेल ये नॉर्मल इनकम मान लेंगे, 100 रुपये का तो है ही है। हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड से किराया आया, हायर ऑफ ग्राउंड कितने रुपए का आया, 600। बैंक ड्रॉन, बैंक ड्रॉन तो एक बार देखिए, बुक बुक है आपके पास, चेक करिए, बैंक ड्रॉन लिखा है, बैंक लोन लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे लोन होना चाहिए, बैंक ड्रॉन है या लोन है। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, स्पेशल पर्पस है, टूर्नामेंट के लिए मिला है, इसको तो लाइबिलिटी में लिख दे, बाकी चेक कर लेते हैं अभी। और क्लोजिंग वाला, और ये कितने का है, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 2000। सर बैंक ड्रॉन है, बैंक ने ड्रॉ किया है तो लोन के तरीके से ट्रीट कर लेते हैं इसको एज अ लोन, ठीक है, 8000 रुपये, क्योंकि दो ही चीज हो सकती है, इनकम तो है नहीं बैंक ड्रोन तो दूसरा क्या होगा हमारा, लाइबिलिटी। आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, बैंक ड्रोन 8000, 8000 था, 80000 था, 8000। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट भी ले लिया, डोनेशंस 20000। अब भाई डोनेशन का अमाउंट इतना बड़ा है ना कि हम इनकम नहीं मानेंगे, अब ये डोनेशन यहां आ जाएगा और इसके लिए नोट देंगे। तो पहले इनकम साइड मैंने खत्म कर दिया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इनकम साइड खत्म कर दिया, कोई डाउट है तो बताइए।
बताइए, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये बैंक ड्रॉन जो होता है ना, इसको हम ओडी भी बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है लाइबिलिटी ये। आगे देखते हैं सर, अब आ जाते हैं इधर। अब कीप ऑफ फील्ड पवेलियन, मैंने बताया था अब कीप ऑफ फील्ड खर्चा होता है, तो टू साइड में आ जाएगा। अब कीप ऑफ फील्ड ₹4,000, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, तो देखो डोनेशन भी टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन था, तो एक्सपेंस भी वहीं से माइनस होगा, तो माइनस यहां से करेंगे, लेस एक्सपेंस, नहीं हाँ लेस एक्सपेंस 1400, समझे बात आप। इसके बाद रेंट रेट इंश्योरेंस ₹400, सर ये खर्चा है, टू रेंट रेट इंश्योरेंस ₹400। टेलीफोन का ये भी खर्चा है, कितने रुपए, ₹100, ये भी खर्चा हमारा ₹100। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी पे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशनरी जो है ना, हमें यहाँ पे भी बैलेंस दे रखा है। यहाँ पे क्या कहता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओपनिंग में था 400, ओके सर, और आपने पेमेंट करा 200, यानी आपके पास टोटल 600 हो गए ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और कहता है कि आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू, सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 16 ₹1500, राइट ऑफ 50% बैट एंड बॉल अकाउंट एंड 25% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सर आपके पास 600 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो इसका सिर्फ 25% ही आपको राइट ऑफ करना है यूज, तो इसका 25% अगर निकालेंगे तो कितना होगा हमारा सर, ₹150 है ना, 150 होगा, 75 नहीं 150 ही होगा, 150, यानी बाकी जो 450 बच गया ना, वो बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग में चला जाएगा। तो यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं ना प्रिंटिंग, वो लिखने वाला हूं 150। समझिए फिर से सर, हमारे पास शुरू में प्रिंटिंग कितने का था, शुरू में प्रिंटिंग ₹400 का था, कैसे पता चला सर, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ₹200 का और खरीद लिया, तो टोटल कितने हो गए 600। सवाल कहता है राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है यूज, तो यूज कितना किया आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 25%, तो जितना यूज किया वही तो खर्चा होगा, और वो खर्चा मैंने यहां दिखा दिया, तो बाकी यूज नहीं रहा, अनयूज रह गया, तो वो कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग, जो कि हमारा चले जाएगा ₹450, ठीक है। चलिए इसके बाद है जनरल चार्जेस ₹100, ये भी इधर आ जाएगा, इसके बाद जनरल चार्जेस के बाद सेक्रेटरी ऑनोरोनियम, मैंने बताया था ऑनोरोनियम जो हॉस्पिटैलिटी का खर्चा है, कितने हैं ऑनोरोनियम 340। अब ग्रास सीड्स क्या होता है, हाँ जो घास के लिए, जो आपके घास के लिए जो आता है मटेरियल वगैरह, जो बीज वगैरह आता है उसको कहते हैं, ठीक है, वो खर्चा है छोटा मोटा, क्योंकि इसका काम ही ये है, ₹60 का। बैट एंड बॉल, सर बैट एंड बॉल पे भी एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि सवाल में कहता है आपके पास स्टार्टिंग में बैट एंड बॉल कितना है, 3000। स्टार्टिंग में बैट एंड बॉल क्या है, अगर मैं इसके कैलकुलेशन समझाऊं, क्वेश्चन में कहता है आपके पास स्टार्टिंग में बैट एंड बॉल, ओपनिंग में है आपके पास कितने का, 3000, और यहां मतलब पेमेंट किया तो प्लस परचेज कर लिया 1400, तो कितने का हो गया 3400, जिसमें से कुछ बेच भी दिया आपने, कितने का बेच दिया था आपने, याद करो यहां पे सेल 100 का, तो आपके पास बचा कितना, हाँ 4400, तो बचा कितना आपके पास 4300। अब 4300 में से क्वेश्चन में कहता है बैट एंड बॉल को ना 50% डेप्रिशिएट करो, तो इसमें से माइनस कर दो 50%, जो कि 4300 का आधा कितना आएगा,
2150, तो बाकी 2150 रुपए बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो हमारा यहाँ बैट एंड बॉल जो आएगा वो कितना आएगा, समझ में आया? 2150। चलिए, बैंक लॉक्ड का मतलब हमारे बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। तो सर बैंक का बैलेंस तो एसेट्स में आ जाएगा, बैंक बैलेंस कितने का था? 33। अब ना एक समस्या आ जाता है कि सर आपके पास बैंक ड्रॉन ओवरड्राफ्ट भी और बैंक बैलेंस है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। मान लो कि आपके दो बैंक खाते हैं, तो हो सकता है एक बैंक का ओवरड्राफ्ट है और एक बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन एक ही बैंक खाता है तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आप या तो इसे अलग अलग छोड़िए या यहां से कंपनसेट करके इधर दिखाइए, आपकी मर्जी है वो। समझ में आई बात आपको? या तो आप इसको यहां से माइनस करके दिखा दीजिए या यहीं छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी होगी। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। कैश एट बैंक ओपनिंग में, सर ओपनिंग में कैश एट बैंक दे रखा है 6,000, यानी यहां पे हमारा कैश एट बैंक है 6,000 ओपनिंग में। चलो भाई साहब ओपनिंग में आ गया, ₹6,000 कैश एट बैंक ओपनिंग में 6,000। आगे कहता है स्टॉक बैट एंड बॉल ओपनिंग में 3,000 है और क्लोजिंग में 2150, ये निकाला है ना, क्लोजिंग में 2150 और ओपनिंग में 3,000 है। तो बैट एंड बॉल और क्लोजिंग में कितना होगा? बैट एंड बॉल 2150। या तो कैलकुलेशन आप यहीं दिखा दीजिए वैसे करके, 3,000, 1,400, 4,400 माइनस सेल पूरा करके, या मैंने उधर दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहता है प्रिंटिंग 400 है ओपनिंग में, तो भैया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 ओपनिंग में डाल दो, कितने हैं 400। और सर क्लोजिंग का निकाला था ना, कितना निकला था क्लोजिंग का, चेक कर लो, ये रहा देखो 450, तो 450 यहां आ जाएगा प्रिंटिंग। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, प्रिंटिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में ₹1,000 का आउटस्टैंडिंग है। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ₹1,000 है, तो लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ₹1,000, और ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, सब्सक्रिप्शन चला जाएगा ओपनिंग, और ये आ गया हमारा ₹1,000। चलिए इसके बाद आगे देखा जाए, सब्सक्रिप्शन दे रखा था, अब आगे कहता है लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है ओपनिंग में। ठीक है भाई, डोनेशन फॉर सब्सक्रिप्शन अकाउंट टूर्नामेंट शुड बी कीप्ड रिजर्व एज अ परमानेंट पवेलियन। जो डोनेशन मिला है उसे संभाल के रखना है पवेलियन के लिए, तो हमने लाइबिलिटी माना है तो संभाल के रखेंगे। सब्सक्रिप्शन एट द एंड, क्लोजिंग में भैया ₹1,500 बकाया है, तो क्लोजिंग में ₹1,500 बकाया है तो प्लस कर दो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? ₹1,500। सर अगर क्लोजिंग में बकाया है तो बट ऑब्वियस है यहां भी आ जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर कितने रुपए? ₹1,500। चलिए इसके बाद क्या कहता है, आगे कहता है बैट एंड बॉल पे 50% लगा चुके हैं और 25 इस पे भी लगा चुके हैं, बस बात खत्म। अब हम फटाफट यहां से टोटल कर लेंगे और यहां से डेफिसिट या सरप्लस निकाल लेंगे, तो 10,500 और ये कितने हो गए 1,200 और एक 1,300, कितने आ गए टोटल 10,500, 600, 100 और 600, 11,800, और ये भी आ गया 11,800 माइनस 4,000 माइनस 400, 100, 150 और 100, 340, 60, 2150, 4,500 आया। चेक करिए आप, छह सौ पचास क्या रहेगा?
50 क्या रह गया? कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं सर, सरप्लस ये है। अब कुछ बच्चे बुक से चेक करेंगे तो भैया वहां पे इसको लाइबिलिटी मान लिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमने इसे एडमिशन फी से जनरल इनकम माना, ये आ गया। कुछ बैट और बॉल को ना जो 100 मैंने माइनस किया तो इसका पंगा आएगा, तो वो बुक वालों की गड़बड़ी है, हमारी गड़बड़ी नहीं है सर, वो बुक वाले की गलती है। बेचा है तो भाई घटेगा ही, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं घटेगा, और बीच में बेचा है उसने। चलिए तो यहां कैपिटल दिखा देंगे और प्लस सरप्लस 4500। अब ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, 6000, 3000, 400, 1000, 10400, 10400, और यहां आ गया कैपिटल 10400, और ये कैपिटल आ गया हमारा 10400 प्लस 4500, 14900 प्लस 600, और डोनेशन 20000। मैं इस चैप्टर के पीछे ना कई बार मानता हूँ बुक वालों को भी गड़बड़ी है कि वो उल्ट सिल्ट चीजें लिख के मनगढ़ंत बता देते हैं। अब देखो डोनेशन है बुक में, देखोगे वो सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड कर देगा, क्यों भाई बताओ तो सही है, डोनेशन इसलिए मिला है बताना चाहिए तुम्हें बैंक, और इसके बाद आपका मेंबरशिप फीस इधर उधर, मतलब इस चैप्टर में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि क्लियर बताते ही नहीं। तो सर यहाँ देख लेते हैं 33, और जितने भी फिक्स एसेट्स थे वो सारे क्लोजिंग में 37400। ये बताओ43400, ओके 100 रुपये और गड़बड़ रहेंगे। बैंक का था बैलेंस हमारा 6000, ओपनिंग कैपिटल चेक करिए, यानी सर क्या बताएं, छोड़िए, ये जो है ना ओपनिंग बैलेंस नहीं है कैश का, ये लॉज जो कह रहा था ना, ये तो ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं, उसने बैंक लॉक्ड कहा था कि बैंक वालों ने रख रखे हैं, तो बैंक के अंदर 6000 प्लस 33300 ही है ना, ये कर दो 6000, 39300, और चेक करिए 14900, अरे 14900 45500,
45, 100 रुपए। इसके अंदर 100 रुपए जो बैंक से बेच के पैसा आया वो भी लिखाएगा, फिर ये चेक करेंगे। बड़ी गलतियां कर रखी है बुक के अंदर। दिखाइए अच्छा चलिए, तो यहां पे एक अजम्पशन, क्योंकि बुक के अंदर एरर, तो हम मान लेते हैं बैट एंड बॉल था। शुरू में कितने का था? 2000। खरीदा कितने का? 1400। टोटल कितने हो गए? नहीं, 3 का था शुरू में, टोटल हो गए आपके 4400। अब इस 4400 में से अगर आपने कोई सोल्ड किया है, तो पहली बात, सोल्ड किया होगा तो इसका कैश भी आया होगा सर, ठीक है ना? तो सोल्ड किया हमने, माइनस कर दिया 100 रुपए, तो बचे कितने सर? 4300। 4300 का 50% हो गया हमारा कितना? 2150। 2150 ये आ गया, और कैश में और मैं जोड़ दूंगा। बाकी मैं कहूंगा कि ज्यादा बच्चे इस बात को सीरियस ना लें, क्योंकि ये सवाल गलत है। गलत क्या, उल्ट सुलट बना देते हैं और फिर बच्चों को परेशान करते हैं।
उल्ट सुलट सवाल बनाया हुआ है। इसमें क्या उल्ट सुलट बनाया हुआ है? सबसे पहले बैंक लॉक्ड को समझाओ क्या है, बैंक ड्रॉन नहीं बताया आपने क्या है, प्लस आपने ये जो बेचा है इसको क्लियरिटी नहीं करा कितने बुक्स में है कितने नहीं है। और पहली बात तो अगर आप आंसर के अंदर दोनों चीजों को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपका बैलेंस कैसे बचा, कैश का पॉजिटिव बैलेंस कैसे बचा, तो वो चीजें देखो। तो दोनों चीजों को मिला के हमने ये कर दिया। चलिए, हाँ मैंने देखा बैंक में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करके बैंक ड्रॉ करा हुआ है, देख लिया। बाकी आप ऐसे कर लीजिए, मेनली आपको इसमें क्या रखना है ध्यान कि एंट्री कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, एंट्री कैसे कैसे ट्रांसफर होना है। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कल की क्लास, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे एग्जाम से ही नहीं आए हैं, तो कल की क्लास मैं रखूंगा कितने बजे सर? कल की क्लास रखूंगा मैं सुबह 11 बजे। और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीज आपका खत्म हो जाएगा, बस छोटा सा टॉपिक है लीज खत्म हो जाएगा। और साथ के साथ एनपीओ के कुछ क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ अलग से आपके फोल्डर में सॉल्यूशन करके, वो देखने। और मैं मना करूंगा क्योंकि मैं बुक के अंदर देख रहा हूँ बड़ी सारी गड़बड़ी है, तो एनपीओ के लिए आप सहारा लें 10 ईयर का। एनपीओ के लिए आप हेल्प किसका लें? हेल्प ले सर 10 ईयर का। जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है एनपीओ के 10 ईयर का, वो मैं डाल दूंगा पीडीएफ बना के। 10 ईयर तो ले ही लिया होगा, जिसके पास नहीं है वो मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास, क्योंकि एकदम से क्लास एक शेड्यूल करके एक रखा, तो आज की क्लास एक क्वेश्चन करवाया मैंने और कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, उसको देखिए। कल लीज खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमारा एग्जाम कब है मैं मान के चल रहा हूँ 3 तारीख को है, कल 28 तारीख। 1 तारीख को मैं सारा थ्योरी एक बार करवा दूंगा, 1 को। ठीक है, तो कल लीज खत्म हो जाएगा, 1 तारीख को थ्योरी हो जाएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। मैं 1 तारीख को ही मैं पूरा थ्योरी, 1 तारीख को फिर से पेपर है ना बिजनेस लॉ का, कोई बात नहीं, फिर थ्योरी करा देंगे बाद में, जो बच्चों का वीडियो देख लेंगे। थ्योरी कराने का इन द सेंस है कि मैं थ्योरी बता दूंगा कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि एग्जाम फर्स्ट टाइम पे हो रहा है, कुछ क्या पूछा जाएगा, सिलेबस इनका डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है ठीक तरीके से, तो मैं उसी के हिसाब से मैं जितना मैक्सिमम हो सकता है कि चांसेस वाले वो मैं बना के पूरा मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आएगा, पूरा डिस्प्ले दिखा दूंगा एग्जाम से पहले। चलिए ठीक है, गुड नाइट।